कोरोना के फैलते हुए संक्रमण के बीच कोटा में राशन सामग्री का वितरण शुरू हो गया, लेकिन अभी भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे हैं। शिवपुरा और सुरसागर सहित कई इलाकों की ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां पर राशन सामग्री को लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ गई, जहां ना तो कोई पुलिसकर्मी नजर आया और ना ही राशन वितरण करने वाले दुकानदारों ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जानकारी दी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस तरीके से हम कोरोना से लड़ने में जीत हासिल कर पाएंगे। इन तस्वीरों में एक बात तो साफ है कि अभी भी लोग कोरोना महामारी को लेकर गंभीर नहीं हो पाए हैं। गरीब लोगों को गेहूं और राशन उपलब्ध कराने के लिए कोटा जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। आप तस्वीरों पर साफ तौर पर देख सकते हो, यहाँ पर गेहूं का और कुछ जरूरी जो खाद्य सामग्री है उसका राशन डीलर द्वारा यहाँ पर लोगों को राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से लोग एकजुट हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी पुलिसकर्मी या पुलिस का जवान मौजूद नहीं है। साफ तौर पर तस्वीरें एक तरफ से ये बयां करती है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। गरीब लोगों को जरूरत का सामान तो पहुँचाया जा रहा है, मगर जो जिला प्रशासन के तरफ से जो हिदायत दी जा रही है उसका कहीं से भी पालना यहाँ पर होती नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को मुस्तैद होना पड़ेगा और इन बस्तियों में और इन इलाकों में कहीं ना कहीं राशन की व्यवस्था पुलिस प्रशासन की निगरानी में करवानी पड़ेगी। कैमरामैन दीपक के साथ राजेंद्र भारद्वाज, A1 के लिए कोटा।